नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकांत रघुवंशी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, रघुवंशी हॉस्पिटल नागपुर एवं रघुवंशी वुमेंस क्लिनिक मुलताई की ओर से आप लोगों के लिए अबॉर्शन जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर कुछ बातें रखना चाहता हूँ। अबॉर्शन ये बहुत ही पर्सनल, वैसे ही बहुत ही कॉमन डिसीजन है जो एक कपल लेते हैं। कपल से कुछ गलतियाँ इसमें होती है जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ। कई बार कपल बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशंस के मेडिकल से दवाइयाँ ले लेते हैं और अबॉर्शन कर लेते हैं। बेसिकली ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि हमारे कितने दिन हो गए हैं तथा हमारी प्रेगनेंसी कहाँ पर है। कई बार प्रेगनेंसी नलियों में फंसी होती है, ऐसी अवस्था में यह एक डेंजरस डिसीजन। कई बार मेडिसिन लेने के बाद थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है और कपल ये समझते हैं कि उनका अबॉर्शन हो गया है। गलती कहीं यहीं पर होती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से बाहर निकला नहीं होता है और उसके कुछ अंश अंदर में जमे हुए होते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही अंश बढ़कर बड़ा स्वरूप ले लेती है, जिसके कारण महिला को बार बार ब्लीडिंग होने जैसी शिकायतें होती है और यह परेशानी होने के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। और ऐसी अवस्था में इन्फेक्शन हो जाना, अंदर में मवाद जैसी परिस्थिति निर्माण होना तथा कई बार नसों के नेटवर्क्स तैयार हो जाते हैं, जिसे एवी माल फॉर्मेशन भी कहा जाता है, यह समस्या थोड़ी जटिल हो जाती है। ऐसे में सादे उपाय छोड़ के हमें सर्जरी जैसे बड़े ऑप्शंस को लेना पड़ता है। इसमें खबरदारी यह लेनी है कि जैसे ही आप दवाइयाँ लेते हैं तो पहले कन्फर्म कराएं कि यह कंप्लीट हो गया है या नहीं, या कुछ अंश अंदर बचे हैं। कई बार इन्हीं अंश को फिर से दवाई से हम निकाल सकते हैं या छोटी सर्जरी करके भी इसको खाली किया जा सकता है, ताकि आपका फ्यूचर सेफ रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन महिलाओं के या बच्चियों के पीरियड रेगुलर नहीं हैं, उन्हें खास करके इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जो कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हैं, अनमैरिड गर्ल्स हैं, उनको इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों के ऐसे फिजिकल रिलेशंस है, उन लोगों में हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है, बिकॉज पीरियड की अनियमितता की वजह से तथा घर में या किसी को बताना चले या हम किसी को बताना नहीं चाहते, इस अवस्था में हमारी इस अवस्था को और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जो कि गलत है। चाहे जो भी सिचुएशन हो, हमको हमारे शरीर के लिए देखना ज़रूरी है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर हम वो प्रेगनेंसी को नहीं चाहते हैं और उसे निकालना चाहते हैं, तो जितने कम दिनों में हम उसको पकड़ेंगे या उसका इलाज करेंगे, उतना हमारे लिए फ्यूचर सेफ रहेगा और हमें ज़्यादा खर्चीले उपायों का ऑप्शन नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए जिनकी पीरियड में अनियमितता है, वो खास करके अपने इन बातों का ध्यान रखें तथा मैं उन माताओं से भी यहाँ गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने लड़कियों को इस बारे में सचेत करें, ताकि उनका अवेयरनेस बढ़े और आने वाले प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकें। धन्यवाद।